जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बहुत ही खास वीडियो में। इस वीडियो में हम CTET का एक क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, उसके मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है वो है CTET 2023 में 25 जनवरी को जो पेपर हुआ था वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर है। तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। 25 जनवरी को जो हमारा क्वेश्चन पेपर हुआ था उसको आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। CTET पेपर 1 25 जनवरी के मैथ्स के प्रॉब्लम को आज हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आप सबको पसंद आएगी, आप सबको यहाँ पे मज़ा आएगा, सीखने को मिलेगा और मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आइए बिना किसी देरी के दोस्तों हम यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू करते हैं और मैथ के सारे प्रश्न को, 15 जो क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसमें एक सवाल ऐसा था बच्चों जो कि मुझे खुद नहीं आ रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो मैं आपसे हेल्प लेना चाहूँगा कि आप प्लीज़ उस क्वेश्चंस को लेके आप मुझे गाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को शुरू करते हैं। मैथ में दोस्तों आपका जो पहला सवाल है, आपका क्वेश्चन नंबर 31 अगर आप देखेंगे तो आपका जो पहला सवाल है बच्चों वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि किसी थैले में एक सफ़ेद गेंद और 3 लाल गेंद है। अच्छा, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एक थैला है। इस थैले में एक जो है भाई एक वाइट बॉल है और एक सफ़ेद है और 3 लाल बॉल, 3 लाल गेंद है, ठीक है। कह रहा है कि इस थैले में कितनी सफ़ेद गेंद और डाल दी जाए ताकि सफ़ेद गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए। तो कह रहा है कि आप कितना और सफ़ेद गेंद डाल देंगे कि कुल गेंदों की संख्या का 1/2 हो जाए, मतलब आधी गेंद सफ़ेद हो जाए और आधी गेंद लाल हो जाए। इसमें कितनी और सफ़ेद गेंद डाल देंगे कि सफ़ेद गेंदों की संख्या कुल गेंदों संख्या की आधी हो जाए। तो अगर हम इसमें 2 गेंद और वाइट डाल देते हैं, अगर हम 2 गेंद और वाइट डाल देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 3 वाइट हो जाएंगे और 3 रेड हो जाएंगे, ठीक है। मतलब 6 का आधा 3, हाँ, तो हमारा क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, आधा वाइट हो जाएगा। तो यही सवाल था बच्चों, इस सवाल में हमें कितना और वाइट बॉल यहाँ पर ऐड करना था, तो हमें यहाँ पे आंसर नंबर 2। देखिए जो CTET पेपर 1 में आता है ना वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही लॉजिकल आता है। बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर मेरा मैथ कमज़ोर है या फिर मुझे मैथ में इंटरेस्ट नहीं है। बाबू, अगर मैथ में आपको इंटरेस्ट नहीं रहता, अगर मैथ टफ रहता, तो वो बच्चे जिनका एग्रीकल्चर है या फिर जिनका सोशल साइंस है, जिनका इंग्लिश लैंग्वेज है, उनसे मैथ के क्वेश्चन क्यों पूछता CTET? CTET पेपर 1 में बिल्कुल बेसिक पूछता है। अगर आपने 10th तक भी मैथ की अच्छी से पढ़ाई करी है और केवल सोच सकते हैं, प्लस माइनस आता है ना, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसी सवाल में देखिए ना, इस सवाल में क्या था, इस अगर केवल आप ऐसे बना लिए तो आप कर जाएंगे, मुझे यकीन है कि आप बना लेंगे और कर जाएंगे। इस सवाल में क्या था, सवाल में कुछ नहीं था और बाकी के जो भी सवाल होंगे ना उसमें भी कुछ नहीं होगा, आप बस देखते जाइए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 32 नंबर यहाँ पर जो सवाल में कह रहा है कि एक समान माप की 12 सफ़ेद सीटें नवीन उनमें से 3/4, जैसे मान लीजिए 12 आपके पास क्या है, 12 आपके पास शीट है, 12 आपके पास कोई शीट है। अब जो नवीन है ना, नवीन क्या करता है, इनमें से इसका 3/4, इसका 3/4 क्या करता है, वह लाल से पेंट कर देता है। 12 सफ़ेद थी, अब उसका 3/4 लाल से पेंट कर देता है। तो 3/4 अगर लाल से पेंट करेगा मतलब कितना पेंट करेगा, 12 का 3/4 कट कर दीजिए 3, यानी कि उसने क्या किया, 9 शीट को उसने लाल से पेंट कर दिया। अब कह रहा है कि कितनी सफ़ेद सीटें बची, लो भैया 12 सीटें थी और 9 को उसने लाल से पेंट कर दिया, तो सफ़ेद सीटें कितनी बची, आप बताइए कितनी बची, 12 थी, 9 पेंट कर दिया तो 3 बची ना, बहुत अच्छा। तो 3 इसका सही जवाब हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। कोई समस्या नहीं बच्चों, लॉजिकल, बस लॉजिकल ही आएगा और कुछ नहीं आएगा सवाल में, और लॉजिकल मुझे पता है आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे। तो मैथ घबराइएगा मत, खास तौर पे उन बच्चों को जिनको पेपर 1 में ही बस मैथ देना है, पेपर 1 का मैथ तो आसानी से आप कर जाएंगे। अब अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है कि संख्याएं 45, 85 और 105 का लघुत्तम समाप वर्ग गुणज, यानी कि LCM निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है, कॉमन मल्टीपल। कह रहा है कि मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो इन तीनों से कट जाएगी, तो आप आराम से इसका LCM निकाल लीजिए। आपने क्लास 8 में इसका LCM निकाला होगा, इसका LCM निकाल लीजिए। मैं बहुत ज़्यादा ट्रिकी नहीं जा रहा हूँ, वरना ट्रिक भी है एक, लेकिन उस ट्रिक में हम नहीं जाएंगे। हम यहाँ से इसका LCM निकाल लेते हैं, इसका हम LCM निकाल लेते हैं बच्चों। तो डायरेक्ट आप एक काम करिए, 5 से कट कर दीजिए, 5 × 9 = 45 और 5 × 1 = 5, 5 × 7 = 35 और 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5। फिर इसको 3 से कर दीजिए, 3 × 3 = 9 = 17 और 7 × 3 = 21। अब इसको फिर 3 से करें, मल्टीप्लाई करा लीजिए, तो ये 3 से फिर 3 से, चलिए 3 से कर लेते हैं, 1
17 और 7। तो अब इसका अगर एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3 इंटू 3 9 इंटू 17 इंटू 7। ठीक है, अब इसका क्या करिए, वो कर लीजिए, इसको मल्टीपल कर लीजिए। तो जब इसको गुणा करेंगे बच्चों, इसका गुणा करेंगे तो ये वाली वैल्यू आएगी। कौन सी वैल्यू आएगी? ये वैल्यू आएगी। बस कुछ नहीं था, कुछ था इसमें? कुछ भी सवाल नहीं था, कोई भी इसमें ऐसा सवाल नहीं था जो कि आप कहें कि सर बहुत टफ है, इसका एलसीएम तो निकालना था, बस आपने निकाल लिया, आपका काम खत्म हो गया। अगला सवाल, ये जो सवाल है बच्चों, ये सवाल खुद मुझे समस्या आ रही है, मैं भी इसको नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप मुझे बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि पासे ए, एक पासा है ए, एक पासा है, आपको पता है पासे में 6 अंक होते हैं, जैसे लूडो की जो गोटी होती है, तो लूडो की गोटी में 1 से 6 नंबर होते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और एक पासा है हमारे पास बी, तो इस ये पास है, कह रहा है इस सवाल को देखिए क्या कह रहा है, सवाल में क्या कह रहा है, आप इसको सवाल को समझिए और उसके बाद आप भी मुझे समझाइएगा कि इसको सॉल्व कैसे करें। कह रहा है कि ए के फलकों पर संख्याएं 1, 3 और 5 अंकित हैं, 1, 3 और 5 अंकित हैं, अन्य फलकों पे 0, 0 अंकित है, अन्य फलकों पे 0, 0 अंकित है। ओके, सवाल में आगे कह रहा है कि दूसरे पासे बी में, बी में विषम संख्याएं 1, 3 और 5 को उनके दुगुने से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब 1 की जगह पे उसका दुगुना 2 लिख दिया गया, 3 की जगह पे उसका दुगुना 6 लिख दिया गया, 5 की जगह पे उसका दुगुना 10 लिख दिया गया, और तथा शेष तीनों फलकों पे 2, 4, 6 अंकित है, यानी कि इस पे भी 2 अंकित है, इस पे 4 अंकित है, इस पे 6 अंकित है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है बच्चों, सवाल कह रहा है कि दोनों पासों को अगर एक साथ, ओके समझ में आ गया, अभी तक मुझे सवाल नहीं आ रहा था लेकिन अब समझ में आ गया। कह रहा कि यदि दोनों पासों को एक साथ फेंका जाता है तो प्राप्त संख्याओं का गुणनफल नोट कीजिए, यदि हम सभी संभव गुणनफलों को लिखें तो उनमें से कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। अच्छा, कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा? अगर मान लीजिए 1 की गुणा अगर आप 2 से करते हैं तो 2 प्राप्त होगा, 1 की गुणा 6 से करते हैं तो 6 प्राप्त होगा, 1 की गुणा 10 से करते हैं तो 10 प्राप्त होगा, और 1 की गुणा 4 से करते हैं तो 4 प्राप्त होगा, और 1 की गुणा 6 से करते हैं तो भी 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा गुणनफल 3 बार प्राप्त होगा। ठीक वैसे ही अगर 3 की 2 से करेंगे तो 6 होगा। ठीक है, और तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे 10 3 बार प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे 10 यहाँ पे 3 बार प्राप्त होगा, जैसे कि 1 का अगर आप 10 से गुणा करेंगे तब भी 10 होगा, 5 का 2 से गुणा करेंगे तब भी 10 होगा, और 5 का इस 2 से गुणा करेंगे तब भी 10 होगा, यानी कि ये जो 10 है बच्चों, 10 3 बार प्राप्त हो सकता है। ठीक है, बाकी इसके अलावा 0 भी होगा, अगर 0 रहता विकल्प में तो हम 0 के साथ जाते, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है, यहाँ पे 5 है और 10 है, तो इसके लिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 10। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा भाई, इसका सही जवाब हो जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ भी देखेंगे करेक्ट आंसर में 4 लिखा है, लेकिन समस्या है भाई, 10 तो यहाँ आप, अब ये भी तो देखिए, यहाँ भी तो 3 प्राप्त हो रहे हैं, कैसे प्राप्त हो रहे हैं? अगर मान लीजिए हम इसको अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक सेकेंड ज़रा इसको देखिएगा, अगर हम 6 को देख लेते हैं तो 6 1 जा भी 6 होगा, 3 2 जा भी 6 होगा, और 3 2 जा भी 6 होगा, 6 1 जा भी 6 होगा, 6 भी तो कई बार प्राप्त हो रहा है, तो 6 क्यों नहीं होगा अगर हम 6, तो इसीलिए ये सवाल में थोड़ी सी मुझे भी टेंशन है, तो आप प्लीज़ मुझे इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, क्या मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ या फिर आंसर क्या चीज़ें हैं, आप प्लीज़ हमें बताइएगा। ठीक है, तो इस सवाल को मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, प्लीज़ आप मुझे इसके बारे में हेल्प करिएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, अगला सवाल क्या कह रहा है बच्चों, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि मयंक को 2 सम संख्याएँ जोड़ना था, इसके स्थान पर उसने 2 विषम संख्याओं को जोड़ दिया। अच्छा, 2 सम संख्याएँ, मान लीजिए एक मयंक जी थे, मयंक जी को 2 सम संख्याएँ जोड़नी थी, क्या जोड़नी थी, मान लीजिए उनको जोड़ना था 2 और 4 जोड़नी थी, लेकिन उन्होंने क्या जोड़ दिया, उन्होंने कोई विषम संख्या जोड़ दी, विषम संख्या कुछ भी जोड़ सकता है, जैसे मान लीजिए उसने 1 जोड़ दिया और 3 जोड़ दिया, इसके स्थान पर उन्होंने ये विषम संख्याएं जोड़ दी, तो क्या होगा, जो आप अलग भिन्न परंतु एक सम संख्या, ये बिल्कुल सही है, जब 2 सम संख्याएं जोड़ेंगे, अब विषम संख्या जोड़ेंगे तो प्राप्त क्या होगा, प्राप्त सदैव सम संख्या होगा, जब 2 ऑड नंबर अगर आप जोड़ेंगे तो जो आपका रिजल्ट आएगा वो हमेशा इवन होगा, ये तो सही लग रहा है, और उसके अलग भी आएगा, ये सवाल जवाब सही लग रहा है, जैसा प्राप्त गद्य गद्यवाद है,
अगर हम ये जोड़ते तो हमें सिक्स मिलता, लेकिन हमने ये जोड़ दिया तो अलग मिल गया ना। तो कह रहा कि जैसा प्राप्त होगा, नहीं गलत हो गया, कह रहा अलग तथा एक विषम, नहीं, दो विषम संख्याओं का जोड़ हमेशा सम संख्या होता है। द सम ऑफ टू ऑड नंबर इज ऑलवेज एन इवन नंबर, ठीक है। अलग सम संख्या जो पहले प्राप्त वाली संख्या से बड़ी होगी, देखो बड़ी भी हो सकती है, अगर मान लीजिए दो चार की बजाय उसने अगर पाँच और तीन जोड़ा होता तो आठ हो जाता, लेकिन ये संभव नहीं है ना कि बड़ी या छोटी। तो इसीलिए आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। पहला आपका जवाब क्या हो जाएगा भाई, पहला आपका जवाब सही जवाब हो जाएगा। कोई समस्या कोई दिक्कत आई होप कि नहीं होनी चाहिए अभी तक। तो अब आइए अगला सवाल देख लेते, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे, सॉरी हाँ चलिए अगला सवाल देख लेते। कह रहा है कि नौ संख्याएं 19 और 51 के बीच, क्या कह रहा है भाई, संख्याएं 19 और 51 के बीच कितने अभाज्य युग्म हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं वो होती है जो अपने अलावा किसी और से नहीं कटती। तो अगर आप 19 की बात जाएंगे तो 23 किसी से नहीं कटता, फिर उसके बाद 29 किसी से नहीं कटता, और 31 किसी से नहीं कटता, 31 के बाद जाएंगे तो 37 किसी से नहीं कटता, 37 के बाद 39 किसी से नहीं कटता, 37 के बाद 39 किसी से 39 कटता है, 39 नहीं होगा, 39 तो 3 से कट जाता है, 37 के बाद 41 के बाद 43 के बाद। तो आपको युग्म निकालना, युग्म का मतलब जब, तो युग्म कब बनेगा, युग्म कब बनता है, युग्म जैसे आपका बनेगा, युग्म यहाँ पे बनेगा 29 और 31 एक युग्म बनता है, क्योंकि 29 और 31 ये युग्म बनेगा। ये युग्म क्यों बनेगा, क्योंकि इनके अंतर, इनके बीच का अंतर केवल दो है, तो जब दो का अंतर हो तो वही युग्म बन जाता है। तो 19 और 51 के बीच में ऐसे अभाज्य संख्या है जिनके दो का अंतर हो, एक 29 और 31 हो गया और एक हो गया 41 और 43। ये दो युग्म बनेंगे, तो कितने युग्म बन रहे हैं, कितने जोड़े बन रहे हैं, वो बन रहे हैं दो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा दो। कोई समस्या, कोई समस्या आई होप नहीं होनी चाहिए। चलिए ये वाला हमारा ख़त्म हो गया, अगला सवाल देख लेते हैं, मतलब इससे ना मेरी खुद की भी प्रैक्टिस हो जाती है, इसलिए मैं ये सॉल्व करा देता हूँ। तो अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक 12 घंटे वाली घड़ी की सुई और मिनटों, अच्छा कह रहा है, मतलब एक घड़ी, जैसे मान लीजिए ये हमारी घड़ी है ना, तो इस घड़ी के बीच में 180 डिग्री का कब बनेगा, 180 डिग्री कब बनेगा जो बिल्कुल सीधा हो, तभी तो 180 बनेगा। तो साढ़े पाँच बजे तो बिल्कुल नहीं बनेगा, नौ बजे तो नहीं बनेगा, 9:90 बनता है, छः बजे बनता है। जी हाँ, मान लीजिए अगर यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 है, तो 6 कब बजेगा, जब बिल्कुल घड़ी की सुई ऐसी रहेगी, तो ये क्या होगा 180। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 बजे, ठीक है 6 बजे बनेगा। अच्छा एक और सवाल यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कहेंगे सर 12:30, देखिए जब 12:30 होता है ना, जब 12:30 6 और यहाँ पे 12 है, तो जब 12:30 होता है तो 12 जो घंटे वाली सुई है 12 और 1 के बीच में होती है, ऐसे बनती है, समझ में आ गई बात, इसीलिए 12:30 नहीं होगा ये। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा 6 बजे। कोई समस्या कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा अगला सवाल देख लेते। कह रहा है कि शिक्षक ने कक्षा 2 के बच्चों को निम्नलिखित आकृति दिखाई, माचिस की डिब्बी, ईंट, ज्यामिति बॉक्स, सभी वस्तुएं के आकार उदाहरण। अच्छा कह रहा है कि मैच बॉक्स और ब्रिक और ज्योमेट्री बॉक्स दिखा रहा है, ये किसके एग्जांपल हैं बच्चों, ये क्यूबॉइड के एग्जांपल हैं। ये किसके एग्जांपल हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्यूबॉइड, ये किसके हैं, घनाभ के ये एग्जांपल्स हैं सारे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, ये लास्ट सवाल है, उसके बाद आई थिंक क्वेश्चन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। निम्नलिखित में किस आकृति का रैखिक समिति है परंतु घूर्णन समिति नहीं है, नो रोटेशनल सिमेट्री। अब रोटेशनल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी आकृति हो ना, आप उसको अगर घुमा भी दें तो वो उसी की तरह दिखेगी। जैसे मान लीजिए अगर ये आयत है, सॉरी आयत में हमेशा याद रखिए, आयत में जो होता है ना हमेशा वो 90 डिग्री होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा आयत है, ये हमारा क्या है, आयत है। तो अगर इस आयत को अगर आप घुमा देते हैं एक बार, इस आयत को अगर आप एक बार ऐसे घुमा देंगे, मैं ऐसे घूम नहीं पा रहे, तो एक बार घुमा देंगे तब भी ये आयत की जैसे ही दिखेगा, इसी प्रकार से दिखेगा। अगर मान लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा पतंग है, पतंग ही इसका सही जवाब हो जाएगा। कैसे इसका पतंग सही जवाब होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मैं आपको बता, इसका सही जवाब क्या होगा, पतंग, क्योंकि पतंग जो है भैया, पतंग जो है ना, क्या अच्छा पतंग बनाया ना, मतलब जो भी हो, पतंग को अगर आप जब घुमाएंगे तो ये सेम सिमेट्रिक नहीं रहेगा, वो अलग तरीके से दिखेगा। और उसके अलावा अगर आप वर्ग को घुमाएंगे तो भी सही, समबाहु त्रिभुज को भी घुमाएंगे तो सम, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका पतंग इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब आप देखिए किस तरीके का सवाल पूछ रहा है, बाकी तो करना तो आपको खुद से ही करना है,
अब आइए अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि ये कौन है, जयंत ने एक आयत की भुजा को एक दिया सलाई के उपयोग से मापा, तो इसकी आयत, अच्छा जो आयत है मान लीजिए, जैसे मेरे पास ये आयत है, आयत ये आयत है, आयत है, तो कह रहा है कि इसकी इसके आयत की लंबाई दिया सलाई की लंबाई के 6 गुनी प्राप्त हुई तथा चौड़ाई 3 गुनी प्राप्त हुई यदि दिया सलाई की लंबाई 40 है। अच्छा लंबाई 40 है, दिया सलाई की लंबाई 40 है और आयत की लंबाई 40 का 6 गुना है, कितना है भाई 40 का 6 गुना है और इसकी चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई 40 का 3 गुना है, 3 गुना, लेकिन किस में है, mm में दिया है, किस में दिया है, mm में दिया है। तो कह रहा है कि आयत का क्षेत्र, तो उस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में ज्ञात करिए, तो पहले वर्ग सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, तो वर्ग सेंटीमीटर में अगर आप निकालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी है भाई, इसकी लंबाई जो है वो है 6 × 24 240 मिलीमीटर, 240 मिलीमीटर इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी चौड़ाई है बच्चों 4 × 12 120 मिलीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर, तो इसकी इसकी सेंटीमीटर में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 और 24 को गुणा कर दीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई कर दीजिए, निकल जाएगा तो 12 × 48 = 8, हाथ में आए 4 और 12 × 24 और 24 × 4 कितना हुआ 26, 268 कहीं दिया है यहाँ पे, एक बार कर लेते हैं, 12 × 48 = 8, हाथ में आए 4, 12 × 24 25 26 27 28 सॉरी 288 कहीं दिया है, 288 यहाँ पे दिया है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 288। अगला सवाल देख लेते हैं, बस आप बस इस तरीके से हम देखते जाएंगे कि कैसे सवाल पूछे गए थे, क्योंकि एक बार सवाल बस समझ में आने लगा फिर क्या ही करना है, बाकी करना तो हमको अपने मन से ही है। ओके चलिए अगला सवाल देखते हैं, कह रहा है कि जयंत जी हैं, जयंत वाह जयंत का नाम कई बार आ गया, चलिए जयंत जी हैं जो कि 100 रुपये प्रति किलो की दर से 2 किलो जामुन खरीदते हैं। अच्छा इसके लिए उनके मित्र किराना ने, सॉरी किराना ने धनराशि का 3/3 बराबर योगदान दिया, तो जयंत अच्छा चलिए ठीक है, कह रहा है कि 100 रुपये प्रति किलो से उन्होंने 2 किलो खरीदा और उसका 3/10 किसने दिया, उनके दोस्त ने दिया, तो टोटल कितने जामुन का दिया, तो भैया जामुन आपने कितना खरीदा था, 2 किलो खरीदा था, 2 किलो खरीदा था का मतलब आपने 2000 ग्राम खरीदा था, क्योंकि आपके विकल्प सारे ग्राम में दिए हैं, आपने 2000 ग्राम खरीदा था और इसका दोस्तों 3/10 भाग किसने दिया था, इसका 3/10 भाग की भुगतान किसने करी थी, उनके दोस्त किराना ने करी थी, तो काट दीजिए 1 0 से 1 0 खत्म हो गया, यानी कि 600 ग्राम का भुगतान किसने किया था, उनके दोस्त किराना ने किया था, वाह किराना वाह बहुत अच्छा। अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल यहाँ पे कह रहा है कि दिस विल बी द लास्ट वन राइट, चलो देख लेते हैं, कह रहा है कि विजय जो है, विजय 6 बजे सोकर उठे और वह स्कूल जाने के लिए घड़ी की मिनट बार, अच्छा जब 6 बजे वो सो के उठते हैं और वो जब स्कूल जा रहे हैं तो देख रहे हैं कि मिनट की सुई 12 पे है और घंटे की सुई 9 बजे है, मतलब 9 बजे 6 बजे उठे हैं और 9 बजे स्कूल गए हैं, तो टोटल कितना टाइम लगा उनको स्कूल जाने के लिए तैयार होने में, तो 6 बजे उठ के जब 9 बजे जाएंगे तो 3 घंटा उनको तैयार होने में लग गया, 3 घंटा उनको तैयार होने में, ये है बच्चों देखिए सीटेट, अगर आप पेपर 1 में अगर आपको मैथ देखना देना है तो बिल्कुल पहले घबराइए मत, ये मत सोचिएगा कि सर मेरा मैथ में इंटरेस्ट नहीं है या हमको मैथ नहीं आता, सीटेट के पेपर 1 में मैथ में ऐसे सवाल पूछे ही नहीं जाते जो कि आपको ना आए, आप आसानी से कर लेंगे। अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल थोड़ा सा मैंगो का है, आम मेरा फेवरेट है, मतलब मुझे अच्छा लगता है और आम का भी सीजन चल रहा है, तो कह रहा है कि कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आपस में एक सर्वे किया गया, इसके लिए उन्हें एक सामग्री बनाई, फलों के नाम दिए, प्रत्येक विद्यार्थी ने उन सामग्री के फल समूह अपनी पसंद स्टार चिन्ह वाला करना था। ओके उन्होंने आमों के लिए 7 स्टार, सेब के लिए 5 स्टार और संतरे के लिए 6 स्टार प्राप्त होते हैं, इस सारणी में निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष सही है। ओके चलिए तो यहाँ पे कह रहा है भाई आम के लिए मैंगो के लिए 7 स्टार और क्या है स्टार और सेब के लिए एप्पल के लिए 5 स्टार और क्या है भाई संतरा मतलब ऑरेंज के लिए कितना ऑरेंज के लिए 6 स्टार। तो इसमें सवाल ये कह रहा था कि विद्यार्थियों को जो पसंद फल है उसको स्टार देना था, तो मैंगो को 7 स्टार प्राप्त होता है, मतलब मैंगो को 7 बच्चों ने स्टार दिया और आम एप्पल को 5 बच्चों ने दिया और ऑरेंज को 6 बच्चों ने दिया, तो अब क्या कह रहा है 18 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थियों को आम पसंद है, नहीं 7 स्टार मिले हैं,
18 विद्यार्थियों में से 11 विद्यार्थियों को संतरे पसंद है। नहीं, आम सबसे अधिक पसंद किए जाने वाला फल है। इसमें सबसे अधिक मैंगो है, तो मैंगो सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला फल है, यानी कि तीसरा आपका सही जवाब हो जाएगा। और इस प्रकार से ये वाला सवाल यहाँ पे समाप्त होता है, ये वाला सवाल यहाँ पे ख़त्म होता है। इसमें कुछ सवाल में था ही नहीं। एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, फिर उस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये सवाल कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द सेवन ऑब्जर्वेशन ऑफ द डेटा। ठीक है, सेवन ऑब्जर्वेशन, जब हम सेवन ऑब्जर्वेशन की बात करें, जब हम पाँच को दिखाते हैं ना, पाँच को कैसे दिखाते हैं, पाँच के दिखाने के लिए हमें चार डंडी खींचनी पड़ती है, 1, 2, 3, 4, और एक हम क्रॉस कर देते, तो ये पाँच नंबर को दिखाता है। पाँच और दो और दिखा दीजिए, 1 और 2, तो ये हमारा 7 का रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि ये वाला विकल्प हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अब आइए, क्या और कुछ सवाल बचे हैं मैथ के? सो ये बचा है लास्ट, उसके बाद वायगोत्स्की जी शुरू होंगे, तो हमें वायगोत्स्की वाला नहीं करना है, हमें मैथ का न्यूमेरिकल करना है। कह रहा है कि द नेक्स्ट नंबर, ओके, 1, 3, 6, 10, 1, 3, 6, 10, इसको ज़रा देखिए, 1, 3, 6 और 10, इसको नेक्स्ट क्या होगा? भैया इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? एक में से तीन के, इन दोनों के बीच कितने का गैप है? दो का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 6 - 3, 3 का गैप है। इन दोनों के बीच में कितने का गैप है? 4 का गैप है। तो इन दोनों के बीच में कितने का गैप होगा? 5 का गैप होगा। इसीलिए यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा 15 आपका सही जवाब हो जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों, इस प्रकार से आप देखेंगे, इस प्रकार से आपका ये वाला, मतलब 25 जनवरी को सीटेट पेपर 1 में जो क्वेश्चन आया था वो हमने सॉल्व कर लिया। दोस्तों एक छोटी सी मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, थोड़ी देर बात करना चाहूँगा, मतलब मेरी भी प्रैक्टिस हो जाती है और आप भी ऐसे देखते रहेंगे तो समझ में आएगा कि चलो इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। पहली बात तो वो कि जिन बच्चों को मैथ्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, वो इस चीज़ को अपने दिल और दिमाग से निकाल दें कि सीटेट के पेपर 1 में मैथ टफ आता है, बिल्कुल टफ नहीं आता है, आसानी से करने वाला है। बस आपको खुद पर यकीन करना है कि आप कर जाएंगे, आप डेफिनेटली कर जाएंगे, और कुछ फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है जिसको रिपीट किया जाएगा, अगर आप वो देख लेते हैं तो आसानी से आप कर जाएंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही। देखिए वीडियो में कभी कभी हो सकता है पेंसिल्स की आवाज़ आती है या कुछ टक टक की आवाज़ आती है, मैं उसे इम्प्रूव करूँगा, और ऐसे ही हम कोशिश करेंगे कि जितने भी सीटेट के, चाहे पेपर 1 हो या पेपर 2 है, पेपर 2 के भी मैथ्स हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पेपर 2 के भी और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ताकि मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपके पास हो पेपर 1 या पेपर 2 किसी भी डेट का, तो 2023 का, तो आप मुझे भेज दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक है, आप वहां से ज्वाइन करके आप हमें भेज सकते हैं। बाकी ये वीडियो कैसी लगी हो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, पसंद आई हो तो लाइक कर लीजिए, नहीं जुड़े हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइए। बाकी ऐसे ही हमारी बातें चलती रहेंगी अगले वीडियो में, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए। जय हिंद दोस्तों।